हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही स्वादिष्ट गेहूं के आटे से नमक पारे, जो कि एकदम क्रिस्पी है, खाने में बहुत ज़्यादा ये लाजवाब होती है। आप इसे शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में कभी भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बना ले और 2 महीना तक इसे स्टोर करके एंजॉय करें। खूब सारे परतों वाली, जिसे बनाना तो आसान है ही, साथ में खाने में बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ। इसमें हम 1 कप गेहूं के आटा डालेंगे। तो ये वही आटा है जिससे हम रोटी पराठा बनाते हैं। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हथेलियों से क्रश करके डालेंगे, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आए। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच कलौंजी डालेंगे, इसे मंगरेल भी बोला जाता है। चटपटा टेस्ट के लिए 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। टेस्ट के अनुसार आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। आप इसके जगह बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि पूरी आटे में अच्छे से मोयन लग जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसका हम आटा गूंद के रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो आटा को ना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा सख्त या फिर हार्ड आटा गूंद के रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा हार्ड आटा गूंदिएगा तो हमारे जो मठरी नमकीन है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनेगी। इसे हम ढक के 5 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक आटा रेस्ट पे है, तब तक हम साटा तैयार करेंगे। 2 चम्मच हम गेहूं के आटा डालेंगे। इसी के साथ इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। तो जितना आटा ले उतना इसमें घी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्मूथ सा साटा बन के रेडी हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दे तो देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा आटा बन के रेडी हो गया है। चलिए अब हम आटा को देख लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट रेस्ट पे रखे हो गया है। इसे हाथों से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके हम बड़ी बड़ी सी लोई कट कर लेंगे। तो मैं इसे 2 भागों में 2 लोई कट करके रेडी कर लूँ। आप चाहे तो 3 या फिर 4 बना सकते हैं। तो इस तरीके से ना बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 ही रोटी बनाएंगे। इससे बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से दोनों पेड़ा को रेडी कर लिए हैं। इसे अब इसे सरफेस पर रखेंगे और इसमें ऑयल या फिर आटा देने की ज़रूरत नहीं। इसे इसी तरीके से हम सरफेस पर रख के पतली सी रोटी, बड़ी सी रोटी बना के रेडी कर लेंगे। तो रोटी पतली सी एकदम बना के रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब इस पर हम 1 चम्मच आटा लेंगे और पूरी रोटी पर अप्लाई करेंगे। हाथों से इसे अच्छे से पूरी रोटी पर लगाएंगे। इस तरीके से साटा लगाइएगा तो हमारे नमकीन है बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो इस तरीके से साटा पूरे रोटी पे अप्लाई कर लिया। अब इस तरीके से इसे रोल करेंगे, हाथों को दबाते हुए इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। हाथों को आगे तक की तरफ करते जाइएगा तो बहुत ही आसानी से ये रोल हो जाती है। हाथों को थोड़ा सा दबा के करें। अब इसे हाथों को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लेंगे, ताकि आपस में सारी परतें ये ज्वाइंट हो सके। अब इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में चाकू से कट कर लेंगे। तो इसकी छोटी छोटी सी लोई इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं खूब सारी परते वाली इस तरीके से लोई कट करके रेडी हो गई है, देख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे पीसेस को एक प्लेट में उठा लेंगे। इसी तरीके से एक और जो लोई बचा है, इसे भी हम बड़ी सी रोटी बना के रेडी कर लेंगे। एकदम पतली सी बड़ी सी रोटी बना लेंगे और इस पर हम साटा लगा लेंगे। इस तरीके से हाथों से रोल कर लेंगे। इसी तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से झटपट से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे लोई एक और बना के रख लीजिएगा तो बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस तरीके से एक लोई लेंगे, हाथों से थोड़ा सा दबा देंगे और पूरी की तरह हम पतला बेल के रेडी कर लेंगे। तो एक बार में ना सारी पूरी को बेल के रेडी कर लेंगे, ताकि बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, बार बार हमें बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से पतली पतली सी पूड़ियाँ बना के रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आपस में चिपकती नहीं। एक बार बना के रख ले और एक एक करके हम सारे नमक किन को बना के रेडी कर लेंगे। तो एक पूड़ी लेंगे, इसमें हम आधे भागों में साटा लगाए तो पूरे भाग में नहीं लगाना है, आधी पूड़ी पर हम साटा लगा लेंगे। इस तरीके से इसे हम दबा के ज्वाइंट कर लेंगे और फिर से हम आधा पूड़ी पे हम इस तरीके से साटा लगा देंगे। हाथों से थोड़ा अच्छे से दबा दें, ताकि आपस में ये खुले नहीं। तो देखिए एक नमकीन बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सारे नमक पारे को बना के रेडी कर लेंगे। तो आधा भाग में ही लगाए, पूरे भाग में नहीं लगाए, इसे ज्वाइंट कर दे, फिर से आधे भाग में लगा के इसे अच्छे से दबा देंगे। इस तरीके से बनाने से बहुत ही झटपट से ये नमक पारे बन के रेडी हो जाएगा। आपस में चिपकती नहीं, तो एक बार बना के रख ले और इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं देखने से कितनी ज़्यादा ये यम्मी लग रही है ना, देखने से पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी खाने में। अब इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो एक 2 बैचेस में इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो एक बार में जितनी आएंगी उतनी डाल देंगे
पूरे टाइम गैस का फ्लेम लो रखिएगा, तभी जो हमारे ये नमक पारे हैं क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होंगे। इसे अलटते पलटते हुए इसे अच्छे हम इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसे फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लग गया है और एकदम क्रिस्पी दिख रहा है। देख सकते हैं जब अच्छे से क्रिस्पी देख सकते हैं इसकी परत जो है कितनी ज़्यादा उभर के आई है। देखने से पता चलता हुआ कि हमारे नमकीन है कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनी है। और ये गेहूं के आटे से बनी है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। ये नमकीन की खास बात यह है कि मार्केट से लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर के सामान से ये बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से आप नमक पारे को बना के 2 महीना तक स्टोर करके खा सकते हैं, लंबे टाइम तक ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे शाम के चाय के साथ ले सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। ये नमक पारे की खास बात यह है कि बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी लगती है और ढेर सारी परते वाले इस तरीके से बन के तैयार होती है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। तो इस तरीके से आप भी बना के इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बनाना कितना आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। गेहूँ के आटे से हम इसे बना के तैयार किए हैं। तो आप भी एक बार ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी कैसी लगे फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक छोटी सी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।